इब्राहिम के साइंस एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, इसीलिए इब्राहिम को एक पॉकेट माइक्रोस्कोप मिलेगा। आप सब तो जानते ही हैं कि माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जा सकता है। शुक्रिया, मुझे अपना इनाम बहुत पसंद आया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये तो बहुत खतरनाक और नुकसानदेह होते हैं। अब मैं जरा अपने हाथों को देखता हूँ। ओह, ये क्या, मेरे हाथों में भी माइक्रोब्स हैं। डरो नहीं, हम फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं। सारे माइक्रोब्स बुरे नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स जानदारों की मदद करते हैं। क्या तुम जानते हो कि जानदारों के जिस्म पर मौजूद कुछ बैक्टीरिया और फंगाई उनके जिस्मानी अफाल की अनजानदेही में मदद करते हैं, जैसे कि खाने को हजम करना और बुरे माइक्रोब से जिस्म को बचाना। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। इतना ही नहीं, फ्रेंडली माइक्रोब्स और भी हैरत अंगेज तरीकों से जानदारों के काम आते हैं। वो देखो, उस वॉशिंग डिटर्जेंट में मेरे दोस्त हैं। कुछ बैक्टीरिया कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो कपड़े साफ करने में मदद करते हैं। ये तो वाकई बहुत हैरत अंगेज बात है। माइक्रोब्स जानदारों के जिस्मानी अफाल में भी मदद करते हैं और वॉशिंग डिटर्जेंट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। एक और मजेदार बात बताऊं? वो जरा देखो, दही और आटे के उन बर्तनों में भी मेरे दोस्त हैं। अरे, खाने के बर्तनों में माइक्रोब्स, ये तो खाना खराब कर देंगे। नहीं, बल्कि ये बैक्टीरिया तो खाना तैयार करने में मदद करेंगे। कुछ बैक्टीरिया दही बनाने और आटे को खमीर करने यानी फुलाने में मदद करते हैं, जिसके जरिए डबल रोटी बनती है। इसका मतलब जो डबल रोटी मैं इतने शौक से खाता हूँ वो मुझे मिल ही ना पाती अगर माइक्रोब्स ना होते। और क्या क्या कर सकते हैं माइक्रोब्स? माइक्रोब्स डीकम्पोजिशन भी करते हैं। वो देखो, उस डस्टबिन में भी बैक्टीरिया है। मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया, फंगाई, कचरे और जानदारों के वेस्ट यानी फुजले को तोड़ फोड़ कर सादा गिजाई अज्जा यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। इस तरह जमीन जरखेज और पौधों की नशो नुमा करने के काबिल हो जाती है। अगर माइक्रोब्स ना होते तो हम कचरे के बड़े बड़े ढेरों में रह रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुमने पोलियो और हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवा लिए हैं? वैक्सीन वो अद्वियात होती है ना, जो बीमारी से बचने के लिए ली जाती हैं। हाँ, मैंने पोलियो की वैक्सीन बहुत पहले ली थी और कल मैं अम्मी के साथ हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। जानते हो इब्राहिम, अगर माइक्रोब्स ना होते तो बहुत सी बीमारियां फैल जाती, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन तुम्हें इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली है, इसे देखो, इसमें माइक्रोब्स हैं। कुछ बैक्टीरिया और फंगाई अद्वियात और वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी माइक्रोब्स जानदारों को कई बीमारियों से बचा लेते हैं। वाओ, मैं अपनी क्लास में सबको जाकर बताऊंगा कि माइक्रोब्स जानदारों के जिस्मानी अफाल यानी बॉडी फंक्शंस में मदद करते हैं। ये वॉशिंग डिटर्जेंट्स बनाने में भी मदद करते हैं और खाने तैयार करने में भी मदद करते हैं, जैसे कि दही और आटा, और अद्वियात और वैक्सीन बनाने में भी बहुत काम आते हैं। क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी मदद करते हुए देखना चाहते हैं? आएं, दही बनाते हैं और इन माइक्रोब्स का मैजिकल इफेक्ट देखते हैं।